जयपुर से अगली बड़ी खबर। एसीबी साइबर क्राइम चिरंजलाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। शहर के कैफे के यार्ड में चल रहे हुक्का बार पर देर रात दबिश दी गई। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने कई थाना इलाकों में एक साथ दबिश दी है। पुलिस टीम ने सिंधी कैंप इलाके में दुगलास हाउस, अशोकनगर थाना इलाके में पोलो क्लब, शामनगर थाना इलाके में डियोना क्लब और एयरपोर्ट थाना इलाके में 10-11 क्लब पर दबिश दी है। मौके से भारी मात्रा में हुक्के और फ्लेवर पुलिस टीम ने जब्त किए। आधा दर्जन युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस अब क्लब संचालकों से पूछताछ में जुटी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, देर रात की बड़ी कार्रवाई जिसमें, क्योंकि देखिए बात अगर करें तो हुक्का बैन है और इसी बीच कई जगहों पर अभी भी ये हुक्का परोसा जा रहा है। बैन होने के बावजूद ये कार्रवाई की है पुलिस की टीम ने। सिंधी कैंप थाना इलाके में दुगलास हाउस, अशोकनगर थाना इलाके में पोलो क्लब, शामनगर थाना इलाके में डियोना क्लब और एयरपोर्ट थाना इलाके में 10-11 क्लब पर दबिश दी गई है। मौके से भारी मात्रा में हुक्के और फ्लेवर पुलिस टीम ने जब्त की। आधा दर्जन युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो अपनी तरह की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई ने अब एक भय भी बना है उन लोगों के लिए जो कि अभी भी चोरी छिपे हुक्का सर्व कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने कैफेज में। एसीबी साइबर क्राइम चिरंजीलाल मीणा के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई। शहर भर में कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार्स पर देर रात ये दबिश दी गई। मौके से हुक्का पाया गया, फ्लेवर्स वहां से मिले हैं। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने कई थाना इलाकों में एक साथ दबिश दी, यानी कि पूरी की पूरी टीम एक साथ पहुंची और पुलिस टीम ने सिंधी कैंप थाना इलाके में दुगलास हाउस, अशोकनगर थाना इलाके के पोलो क्लब, शामनगर थाना इलाके के डियोना क्लब और एयरपोर्ट थाना इलाके के 10-11 क्लब पर दबिश दी। पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बैन होने के बावजूद जो चोरी छिपे हुक्का सर्व किया जा रहा है उसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई देर रात देखने को मिली कई थाना इलाकों में, अलग अलग कैफेज में ये कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, जैसे कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को फोटो मिली थी कि जयपुर शहर में कई स्थानों पर देर रात भी कैफे की आड़ में अवैध हुक्के बार चल रहे हैं, जहां पर नौजवान युवतियां धुएं कचरा करते हैं, नशे की लत में वो जब में आते हैं। ऐसे में देर रात पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम गठित की गई, उसके बाद में एसीपी चिरंजीलाल मीणा के नेतृत्व में कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई और हर स्थान पर उनको ये मिला कि कैफे की आड़ में अवैध हुक्के बार चल रहे हैं, युवक युवतियां बैठ के धुएं कचरा लगा रहे हैं। ऐसे में करीबन 6 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को डिटेन किया गया है और साथ साथ जो वहां के संचालक है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद में जो बात सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल बता दूंगा आपको कि जहां तक अधिकारियों का मानना है कि ये जो कैफे हैं जो चल रहे हैं अवैध उखावा चल रहे हैं, इनको भी प्रतिबंधित किया जाएगा, बंद किया जाएगा, इनके लाइसेंस भी सीज किए जाएंगे। फिलहाल जो संचालक है उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।